तो कसडोल में भी महाशिवरात्रि को लेकर उत्साह देखने को मिला। भारत में महाशिवरात्रि का अपना एक अलग धार्मिक महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है। वेद और पुराणों में महाशिवरात्रि को काफी पवित्र माना गया है। अब आज के दिन श्रद्धालु सच्चे मन से भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना करें तो उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। कसडोल नगर स्थित शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं ने शिव महिमा का बखान करते देखे। फाल्गुन चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव ने वैराग्य छोड़कर माता पार्वती के साथ विवाह कर गृहस्थ में प्रवेश किया था। इसी वजह से हर साल फाल्गुन चतुर्दशी को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की खुशी में महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। जैसा कि हम आज जानते हैं, आज महाशिवरात्रि है, जहां हर मंदिरों शिव मंदिरों पे लोगों का तांता सा लगा हुआ है। उसी तारतम्य में हम आज इस वक्त मौजूद हैं कसडोल में, और वहां भी हम बात करेंगे श्रद्धालुओं से आखिर क्या कुछ मान्यता है उनको लेकर। देखिए, आज महाशिवरात्रि है, क्यों मनाया जाता है महाशिवरात्रि? सबसे पहले सभी दर्शकों को ओम नमः शिवाय तुभ्यम, हर हर महादेव। देखिए, शिवरात्रि का जो माह जो है, हर माह आता है शिवरात्रि का समय, लेकिन आज विशेष है फागुन मास 14 और को ये जो मनाया जाता है, ये पूरे भारतवर्ष में बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। क्योंकि इस दिन हमारे जो भगवान हैं, हमारे जो इष्ट देवता है भोलेनाथ जी, ये वो जो है वैराग्य जो त्याग करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए और मानव सुख शांति के लिए और पूरे मानव जाति को एक प्रेरणा देने के लिए, सुख शांति और सहयोग भाईचारा की भावना के लिए ये विशेष पूजा करते हैं। हम सभी विशेष पूजा करते हैं, और हम ही क्या पूरे भारतवर्ष में और आने वाले समय में और इसकी पूजा की महिमा बढ़ने वाली है, क्योंकि हम सनातन धर्म की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्ष में हमारा सनातन धर्म, सनातनी जो भाई थे, वे धर्म के रूप में अलग अलग धर्म का अपना परिवर्तन कर रहे थे, धर्म परिवर्तन जिसको बोला जाता है। अभी वो जो बहुत कम हो गया है, निम्न हो गया है, और जो निश्चित तौर पे पूरा भारत शिवमय हो चुका है। हम और भी श्रद्धालु, उनसे भी जानेंगे आखिर उनकी क्या कुछ रूप है। देखिए, पूरे भारत आज शिवमय हो चुका है, ऐसे में आपका क्या कुछ कहना है? हर हर महादेव। ये तो बहुत अच्छी बात है कि पूरा भारत शिवमय हो गया है, और हम चाहते हैं कि इससे ज़्यादा लोगों की जनसंख्या बढ़े। जिस तरह से लोगों का रुझान आज देखने को मिल रहा है, मैं तो चाहता हूँ कि भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करे और यही भीड़ हमेशा इससे ज़्यादा बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज के दिन ऐसे माना जाता है कि शिव भगवान जी जो हैं अपना वैराग्य त्यागे और माता पार्वती से उनका विवाह हुआ है, तो इसलिए हमारे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा खास दिन है, और जैसे हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ी मान्यता की बात है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि शिव मंदिर में इतना अच्छा हर्षोल्लास से सारा कार्यक्रम कराया जा रहा है, और हम लोग भी रोज़ संध्या आरती को जब आते हैं 6:30 बजे, तो यहाँ का माहौल एकदम ऐसा लगता है कि शिव जी स्वयं पधारे हुए हैं। और यहाँ हमारा रोज़ का संगीत का कार्यक्रम होता है, भजन कीर्तन होता है, संडे को भी होता है 9:30 बजे। हाँ, शिव पार्वती का विवाह है, इसलिए हम लोग अपनी श्रद्धा से पूजा करने आए हैं, और शिव पार्वती से मनोकामना पूर्ण करने के लिए अपनी इच्छा से पूजा कर रहे हैं और आशीर्वाद लेने आए हैं। आपस में ही कहना है, श्रद्धा उनके ऊपर सर चढ़ के बोल रहा है, न सिर्फ जिला बल्कि पूरे भारत में शिवमय हो चुका है। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ मैं जयप्रकाश साहू, रफ्तार मीडिया, कसडोल।